अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ट ये क्विज है। डैश इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो उसको संज्ञा कहते हैं। दिस इज नाउन। सो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। ठीक है ना। चलिए नंबर टू क्वेश्चन। डैश इज ए वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। कौन सा वर्ड होता है जो कि नाउन के स्थान पे उसका प्रयोग करते हैं? दैट इज़ प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर थ्री में आते हैं। डैश इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। कौन ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है? दैट इज नन अदर देन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही तो वर्ड है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन्स और प्रोनाउन्स। ठीक है। चलिए नंबर फोर पे आते हैं। डैश इज एन एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड किसको बोलते हैं? तो वेरी सिंपल, इट इज़ वर्ब। वर्ब को क्रिया को कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। काम करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। राइट ना। नंबर फाइव में आते हैं। डैश आर मॉडिफाइंग वर्ड्स। मॉडिफाई करते हैं किसको? किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को। तो कौन से मॉडिफाइंग वर्ड्स कहलाते हैं? तो एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण को हम लोग मॉडिफाइंग वर्ड्स करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ये क्रिया को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और कभी कभी अपने आप को भी क्रिया विशेषण मॉडिफाई करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि नंबर सिक्स है। डैश इज ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज होता है वाक्य में और इसका इस शब्द का जो रिलेशन है बाकी शब्दों के साथ भी वाक्य में दिखाया जाता है? तो वो शब्द है प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन ही है जो इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर सेवन में। डैश इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। इट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। ज्वाइनिंग वर्ड किसको बोलते हैं? तो वेरी सिंपल, इट इज कंजंक्शन। राम एंड श्याम, राम एज वेल एज श्याम, राम और श्याम। यहाँ पे एंड, बट, एज वेल एज और ये सारे क्या हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस हैं। तो कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। इट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट में आते हैं। डैश इज ए वर्ड दैट शो सडन फीलिंग ऑफ आवर माइंड। अचानक से हमारे माइंड की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। सो ब्रेव वो यू हैव डन वेल, अलास ही इज डेड। तो इसको किसको भी बोलते हैं? तो दिस इज इंटरजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज ओवर। अब आगे बढ़ते हैं नंबर नाइन। एंड, बट, इधर और, निधर, नॉर, एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अभी आपको बताया था मैंने एंड, बट, इधर और, निधर, नॉर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो दिस इज एग्जाम्पल, दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के उदाहरण है। और लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का नंबर टेन। इन, ऑन, टू, फॉर, विथ, ऑन टू, बिटवीन, एमोंग, एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो इट इज दे आर ऑल प्रीपोजिशंस। ठीक है। ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने इन्जॉय भी किया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।